हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ टेल मी इफ़ यू आर लाइव, इफ़ यू आर ऑनलाइन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से दिल्ली सल्तनत, ये आज का हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है ना, ये आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और इसकी ड्यूरेशन हम नोट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और ये 1526 तक फाइनली दिल्ली सल्तनत ने रन किया। और दिल्ली सल्तनत वाज एंडेड व्हेन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1526 एडी, पानीपत वॉर। तो इसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत पर आज टॉक होनी है। चैट ऑन कर दो यार, चैट कहाँ से होगी? विकी विकी से, विकी से बोल, विकी करेगा। तो दिल्ली सल्तनत पर आज बात होनी है। यू नो दैट व्हेन मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी बिकम डेड आफ्टर हिम, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मिडिल एशिया, गजनी एंड नॉर्थ इंडियन टेरिटरी आल्सो, एंड हिज थ्री स्लेव्स वेयर अनाउंस्ड दे वेयर इंडिपेंडेंट, and in a same way in Lahore and Delhi Qutbuddin Ayubak also announced ki he is also independent, and he adopted the Sultan surname finally, and so today's our topic is Sultan Qutbuddin Ayubak. Jaisa ki aap jante hain, you know that ke jab मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो उसके थ्री जो स्लेव्स थे सीनियर्स, जैसे गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज, सिंध से नसीरुद्दीन कोबाचा, और दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने फ्रीडम का अनाउंसमेंट कर दिया। और फाइनली आज जो टॉपिक है वो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में पहला हेडिंग होगा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आपने नोट कर लिया होगा इसको।
तो हेडिंग डालेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ये हेडिंग डालेंगे। विकी है स्टार्ट बेटा ऐप। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका ड्यूरेशन है वो हम नोट कर लेंगे, 1206 AD से 1210 AD तक। स्टूडेंट हैं करेक्ट। सो ये चीज ये हेडिंग आप लिख लेंगे नोट करेंगे, प्लीज नोट इट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड यू नो दैट के सुल्तान जो है उस टाइम का एक बड़ा ही फेमस सरनेम था। बेसिकली जितने भी उस टाइम के एम्परर्स थे उन्होंने सुल्तान का जो सरनेम है वो अडॉप्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि सुल्तान सरनेम अडॉप्ट करने के पीछे बिहाइंड रीज़न ये था कि उस टाइम जो लोग थे पीपल्स थे वो खलीफा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और सुल्तान्स भी खलीफा को रिस्पेक्ट करते थे। सो इट वाज द रीज़न कि सुल्तान वाज द रिस्पेक्टेड वर्ड टू द खलीफा एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सुल्तान वॉज रिप्रजेंटेटिव ऑफ द खलीफा। सुल्तान का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है रिप्रजेंटेटिव ऑफ द खलीफा। तो सुल्तान का सरनेम इन्होंने अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि यू कैन आस्क मी दैट के सर कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव, ये तो एक गुलाम था। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐबक वॉज द स्लेव एंड इस्लामिक रिलीजन नॉट अलाउ टू अ स्लेव फॉर अ एम्परर फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अ सुल्तान। मतलब एक सुल्तान बनने के लिए इस्लामिक रिलीजन स्लेव को कभी अलाउ नहीं करता, तब तक जब तक कि उसके ओनर ने उसको फ्रीडम का परवाना ना दे दिया हो। फ्रीडम के लिए बाकायदा एक कहते हैं ना कि एक पूरी राइटिंग लिखकर एक पूरा जो है दस्तावेज जो है रेडी करके वो ना दे दिया हो, तब तक इस्लामिक रिलीजन अलाउ नहीं करता। तो इसका भी आंसर है, इसी चूंकि ये ऑप्शनल की क्लास है तो इस क्लास में जाहिर सी बात है कि अपनी एक डेप्थ होती है। तो मैं कह रहा था कि जब इन्होंने सुल्तान का सरनेम अडॉप्ट किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब ये अनाउंस किया कि ही इज द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत, तो उसने मोहम्मद गौरी के एक रिलेटिव से एक परवाना मंगाया था, एक ऑर्डर मंगाया था जिसमें ये लिखा था कि ऐबक इज द फ्री पर्सन। ऐबक इज अ फ्री पर्सन, यानी अगर ओनर या ओनर से रिलेटेड ओनर ये कह दे फाइनली, वो ये ऑर्डर कर दे कि मैं रिलीज कर रहा हूं अपने स्लेव को और ये फ्री है, तो फाइनली जो है तो कोई भी पर्सन सुल्तान का सरनेम अडॉप्ट कर सकता था और वो सुल्तान का जो पोस्ट है वो हायर कर सकता था। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज स्लेव बट When he became Sultan, he was not slave.
One order passed by a relative of Mujuddin Muhammad Ghori for the freedom of Sultan Qutbuddin Aibak. Okay, तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पर हमेशा लर्न रखना कि कभी भी क्वेश्चन ना आए कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ फ्री सुल्तान, आर यू एग्री? तो आपका आंसर होगा कि यस एब्सोल्युटली वी आर एग्री, बिकॉज ऑफ व्हेन ही बिकम सुल्तान ही पास ऑर्डर पास्ड बाय रिलेटिव ऑफ द मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इन फेवर ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, करेक्ट? एक ऑर्डर पास हो गया था. अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या किया, अब यहां पे थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, नोट कर लेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी हिज स्लेव बिकम अ फ्री सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. ही कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत इन 1206 AD. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत इन 1206 AD. करेक्ट. ऑर्डर वॉज, नोट करिएगा कि एन ऑर्डर वॉज पास्ड बाय रिलेटिव ऑफ द मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इन फेवर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अबाउट हिज फ्रीडम. एन ऑर्डर वॉज पास्ड बाई रिलेटिव ऑफ द मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इन फेवर ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक्स फ्रीडम. सो इट वॉज कन्फर्म्ड, सो इट वॉज कन्फर्म्ड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक व्हेन ही वॉज सुल्तान. So it was confirmed. When he was Sultan, he was freed. He was free. Correct? Yani jab wo Sultan bana to wo kya tha? Free tha. प्लीज नोट इट, नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे. देखा आपने कि शुरू में ही कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो यहां पे निकल के आ गए. क्वेश्चन ये था कि वॉज द कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फ्री सुल्तान, क्या वो एक फ्री सुल्तान था? तो आपका आंसर होगा कि एब्सोल्युटली ही वॉज द फ्री सुल्तान. ये फ्री हो गया था क्योंकि ऑलरेडी एक ऑर्डर जो है पहले ही पास हो गया था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के एक रिलेटिव के द्वारा. सो हम इसको एक स्लेव डायनेस्टी या स्लेव सुल्तान नहीं कह सकते, करेक्ट ना? सल्तनत जो है वो स्लेव डायनेस्टी नहीं थी. ये ऐसे ही जो है रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है. ठीक है, सही क्या था कि ये सब फ्री थे क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में ये अलाउड ही नहीं था कि कोई भी सुल्तान जो है वो स्लेव रहते हुए एक सुल्तान के पोस्ट को हायर कर जाए. तो दैट वॉज नॉट अलाउड इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम फॉर अ स्लेव ही बिकम अ सुल्तान इन फ्यूचर. अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वी शुड गो अहेड, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पे. चलिए
देखिए, व्हेन ही बिकम अ फ्री सुल्तान, सर्कमस्टेंसेस वेयर वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. ही वॉज द एस्टैब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट ही हैड द मेनी टेंशंस, ही हैड द मेनी एनिमीज. वो सुल्तान तो बन गया पर उसकी टेंशन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी. बिकॉज ऑफ गजनी में उस समय ताजुद्दीन यल्दूज था. गजनी वॉज द सेंटर ऑफ गौरिद एम्पायर, तो यहां पर तो ताजुद्दीन यल्दूज. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ताजुद्दीन यल्दोज, ठीक है ना, ऐसे भी इसको नोट कर लेंगे. ताजुद्दीन यल्दोज जो गजनी में था, ये मैंने कई बार आपको नोट भी कराया है उसके बारे में, ठीक है. ताजुद्दीन यल्दूज ऐसे भी नोट कर लेंगे हम लोग. गजनी में कौन था? ताजुद्दीन यल्दूज था. ताजुद्दीन यल्दूज था. जरा सा ये अरबिक और फारसी नेम है, इसलिए कभी कभी इंग्लिश में जब कन्वर्जन होता है तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक भी होता है, इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली हमें लिखना पड़ता है. गजनी में ताजुद्दीन यल्दूज और सिंध में नसीरुद्दीन कोबाचा. ये मैंने लिखा दिया था पिछले क्लासेस में कि उस टाइम जब व्हेन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी बिकम डेड, देयर वेयर हिज थ्री सीनियर गुलाम्स वेयर रूलिंग इन हिज एम्पायर दैट टाइम, इन गजनी ताजुद्दीन यल्दूज, इन सिंध नासिरुद्दीन कोबाचा एंड इन लाहौर और इन दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज रूलिंग. तो ये तीन उसके स्लेव्स थे जो रूलिंग कर रहे थे. उसमें से गजनी में ताजुद्दीन यल्दूज जो कि सबसे सीनियर स्लेव था, सिंध में नसीरुद्दीन कोबाचा था, ठीक है, और ये दोनों ही सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर जो है प्रेशर बना रहे थे. क्या प्रेशर बना रहे थे? ताजुद्दीन यल्दूज ने ये कहा, मतलब ही सेड टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कि आई एम द वेरी सीनियर स्लेव ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी एंड आई एम रूलिंग इन गजनी नाउ, और आई एम द गजनी इज द सेंटर ऑफ द होल गौरी एम्पायर. सो आप इंडिविजुअल जो है रूलिंग नहीं कर सकते दिल्ली सल्तनत में, आप मेरे नाम से दिल्ली सल्तनत में रूलिंग करिए, करेक्ट. उसके बाद सिंध में नसीरुद्दीन कोबाचा ने भी यही बात कहा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि मैं भी एक सीनियर स्लेव हूं, इसलिए आप मेरे नाम का खुतबा पढ़वाइए, मेरे नाम का जो है एक नाम अनाउंस करिए, मेरे नाम के अकॉर्डिंगली जो है आप रूलिंग करिए, करेक्ट. नोट कर लेंगे इस चीज को. राइट इट इमीडिएटली. तो क्या था कि देर वेर द वेरी बिगर टेन्स ऑन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम हिज कलीग्स, जस्ट लाइक दैट फ्रॉम गजनी ताजुद्दीन यल्दूज एंड फ्रॉम द सिंध नसीरुद्दीन कोबाचा. तो नोट इट कि व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम सुल्तान,
His way was not very easy. When Qutbuddin Abak became Sultan of the Delhi, his way was not very easy for him. There were the very bigger taints on him from his colleagues, Sardars. Just like that, from the Ghajni, Tajuddin Yalduj, and from the Sindh, Nasiruddin Kobach. सबसे पहले हम लोग स्टोरी को रेडी करेंगे, स्टोरी को हम लोग पहले तैयार करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर करेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर अराइज हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके आंसर राइट करेंगे. और वैसे भी किसी भी चीज़ पर जब आदमी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो फिर ब्लेसिंग टू द गॉड कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम डायरेक्टली चीज़ों को रेडी करते हैं या डायरेक्टली चीज़ों को रेडी करने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो सबसे पहले हमें वर्क करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर. देखा आपने कि इसके रास्ते, मतलब एक चीज़ तो हमने देखा है माई डियर स्टूडेंट्स, कि वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनके नेम जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं या नोटेड होते हैं, उनके वेज इजी नहीं होते. जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज उनके वे में होती है, और कहीं ना कहीं से ये डिफिकल्टीज भी उन्हें ग्रेट बनाती है ना. इंसान ऐसी ग्रेट थोड़े बनता है, किसी पर्सन का नाम हिस्ट्री में नॉमिनेटेड ऐसे ही थोड़े होता है. इसके पीछे ये चीज़ होती है ना कि आप देखिए ना, इट वॉज द ग्रेट टेंस एटमोसफियर इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक व्हेन ही बिकम सुल्तान. उसको जो टेंस हो रहा था वो उसकी कलीग से हो रहा था. एक तो प्रॉब्लम ये थी. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी ताजुद्दीन यल्दूज और नसीरुद्दीन कोबाचा के अगेंस्ट में जाकर कोई वर्क नहीं किया. नो एनी वर्क इन अगेंस्ट ऑफ द हिज कलीग्स, जस्ट लाइक दैट ताजुद्दीन यल्दूज एंड नसीरुद्दीन कोबाचा कभी भी अगेंस्ट जाके कोई वर्क नहीं, कभी भी इनको भड़काने की कोशिश नहीं किया इसने. ठीक है, मतलब शांत रहा. ये एक गुड क्वालिटी के पर्सन की चीज़ें होती हैं. जो एक गुड क्वालिटी पर्सन होता है वो यही करता है. तो देखिए, जब आपके बस में कुछ भी नहीं है तो आप शांत रह सकते हैं, आप पीसफुली वेट कर सकते हैं. वेट एंड वॉच पॉलिसी आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए ना, वो बिल्कुल कोई भी ऐसा इसने वर्क नहीं किया जिससे ये एंग्री हो जाएं या इनकी तरफ से कोई बड़ी डिफिकल्टीज आए. क्यों? इसलिए कि दिल्ली सल्तनत वॉज वेरी न्यू इन इंडिया दैट टाइम, एंड देर वेयर द मेनी एनिमीज इन इंडिया टू फॉर द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. तो अगर थोड़ा भी ये वीक पड़ता ना इंडिया में तो राजपूत किंग्स अभी बहुत पावरफुल थे, उखाड़ फेंकते सल्तनत को. और सल्तनत में कोई भी चीज अभी मैनेज नहीं थी, ना तो कोई मैनेजमेंट था, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, नो एनी मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं था. मतलब एवरीथिंग वॉज ऑन द टेक, सब कुछ टेक के पर था. तो नोट कर लेंगे, इस चीज को लिख लेंगे कि इन दैट टाइम सिचुएशंस वेर वेरी डिफिकल्ट फॉर द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. टेंस फ्रॉम हिज कॉलीग and no any political economical no any political economical and administrative management done by Sultan Qutbuddin Ayubak. No any
management, just like that political, note karenge beta, please note it, no any management, just like political, economical, administrative, done by Sultan Qutbuddin Ayubak. Sultan Qutbuddin Ayubak. ठीक है. सो क्या था कि आप देख रहे हैं ना कि एक तो कलीग्स के टेंस थे और कोई मैनेजमेंट नहीं था दिल्ली सल्तनत में, तो एवरीथिंग वॉज ऑन द टिक. क्या लिखेंगे कि एवरीथिंग वॉज ऑन द टिक. सब कुछ एकदम से निशाने पर था, सब कुछ टेक पर था, रिस्क पर था, कुछ भी हैपन हो सकता था. तो इस टाइम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही ज्यादा पेशेंस से वर्क किया, बहुत ही केयरफुली वर्क किया. ठीक है, क्योंकि देखिए साहब, जब कोई बच्चा बर्थ होता है, एक न्यू बर्न चाइल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक न्यू बर्न चाइल्ड दुनिया में आता है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इम्पोर्टेंस होती हैं. फर्स्ट थिंग इज दिस के सर्वाइवल, उसकी सर्वाइवल होनी चाहिए, उसको टाइमली मिल्क मिलना चाहिए. सेकेंड थिंग इज की उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको बचाए रखना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें वर्क करना पड़ता, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही वीक होता है. कोई भी एनिमल या कोई भी चीज आकर उसको हर्ट कर सकती है. तो माँ बाप टू थिंग्स पर वर्क करते हैं, एक तो उसके सर्वाइवल के लिए वर्क करते हैं और दूसरी चीज कि उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं कि उसको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स से हमें क्या करना है, सेफ रखना. जस्ट लाइक दैट सल्तनत वॉज जस्ट लाइक दैट अ न्यू बर्थ चाइल्ड, न्यू बर्न चाइल्ड, एक नए नवजात बच्चे की तरह से. एनिमीज रेडी थे और एनिमीज जो है वो अपनों में से ही थे, क्योंकि ये बात सही है कि जितना दर्द अपने दे सकते हैं उतना कोई गैर नहीं दे सकता. सिर काट के सिर पे मेरे फिर वार करेगा, सिर काट के सिर पे मेरे फिर वार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा. अपने जितनी ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं उतना गैर आदमी उतना बाहर. तो इट वॉज ट्रू के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो उसके अपने लोग थे, अपने कलीग्स थे जो उसके सामने स्टैंड बाई कर रहे थे, उसको टेंस कर रहे थे, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे. दूसरी चीज मैंने कहा कि सर्वाइवल. तो सर्वाइवल के लिए क्या है कि देखिए साहब, व्हेन ही वॉज द सुल्तान, एवरीथिंग वॉज ऑन द टेक टू. जो राजपूत किंग थे वो भी किसी भी तरह फोर्सली जो है उनको दबाया गया था, डाउन किया गया था, वो कभी भी रिवोल्ट्स कर सकते थे. ये उस टाइम की सिचुएशन थी. तो नोट कर लेंगे कि इन इंडिया, इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत देयर वेर द मेनी डिफिकल्टीज. देयर वेर नो एनी मैनेजमेंट, there were no any management. Rajput kings were down forcefully by the Turks. So everything was possible in that time. देखिए उस टाइम सल्तनत में मार्शल लॉ को एडॉप्ट किया गया था. क्या था उस टाइम? उस टाइम सल्तनत में पूरी तरह से मार्शल लॉ थी. आपने मार्शल लॉ का नाम सुना होगा.
मार्शल लॉ जो है वो आर्मी लॉ को कहते हैं, तो उस टाइम तो सल्तनत में पूरी तरह से मार्शल लॉ ही लगाया गया था। पूरा जो कमांड था ना वो आर्मी के ऊपर ही था, ठीक है। क्या था बेटा? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ नोट कर लेंगे कि इन सल्तनत देयर वेयर अ मार्शल लॉ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वेयर अ मार्शल लॉ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन द आर्मी पावर, एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन द आर्मी पावर। Everything was dependent on the army power. Everything was dependent on the army power. Correct? चूंकि मार्शल लॉ जब लगता है तो चारों तरफ आर्मी रूल ही इफेक्टिव होता है। आर्मी का अपना रूल होता है, अपना रेगुलेशन होता है। एक वर्ड मैंने बोला था कि जब कोई न्यू बर्न चाइल्ड होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो टू वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट वर्क ये होता है कि उसके सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट होता है, फॉर हिज मिल्क, फॉर हिज सर्वाइवल, और दूसरी चीज़ होती है उसकी सिक्योरिटी। तो यहाँ सर्वाइवल का सेंस ये है कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया था पूरे सल्तनत। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सोल्जर्स थे ना वही टैक्स कलेक्ट करते थे। तो सोल्जर्स वेयर द टैक्स कलेक्टर। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज ऑन द सल्तनत दैट टाइम एंड सोल्जर्स वेयर द टैक्स कलेक्टर। वही जाते थे जो फार्मर्स होते थे, उनके फार्मिंग फील्ड्स में जाकर फार्मर्स को बोलते थे कि गिव द टैक्स, हमें टैक्स दीजिए, हम सल्तनत से आए हैं। और इस तरह से स्वॉर्ड्स के बुनियाद पर, तलवारों के बुनियाद पर जो फार्मर्स होते थे वो फियर्स की वजह से टैक्स देते थे। तो सर्वाइवल सल्तनत का ऐसे चल रहा था। सर्वाइवल वॉज जस्ट डिपेंड ऑन द मार्शल लॉ, सोल्जर्स वेयर द टैक्स कलेक्टर्स एंड देयर वेयर द नो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट फ्रॉम द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चूंकि यहाँ पर क्या था बेटा कि आप मुझसे एक क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि सर व्हेन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द रूलर तो वहां पर वो कर क्या रहा था। यू कैन आस्क मी अ वन क्वेश्चन कि व्हेन ही वॉज द रूलर वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन हो सकता है ना। क्यों नहीं उसने एक इकोनॉमिकल मैनेजमेंट बनाया, उसने टैक्स कलेक्टर्स रिक्रूट किए, उसने ऑफिसर्स रिक्रूट किए जस्ट लाइक द अदर किंगडम्स, तो वो क्या कर रहा था। तो आपको मैं बताऊं कि इस टाइम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर में स्टे था। इन विच लोकेटेड ही वॉज स्टे, तो दैट वॉज द लाहौर, और लाहौर को ही उसने अपना सब कुछ बना रखा। समझ में आ गया बेटा? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा जो कंट्रोलिंग था, वो कहां पर स्टे था, तो दैट वॉज द लाहौर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाहौर ही सब कुछ था उसके टाइम में। अब यू कैन आस्क मी अ वन क्वेश्चन अगेन कि सर ये दिल्ली का सुल्तान था, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बट जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो सब के सब लाहौर से थे। अब यू कैन आस्क मी अनदर क्वेश्चन कि सर ये लाहौर में क्या कर रहा था, क्यों लाहौर में, व्हाई ही वॉज स्टे इन लाहौर नॉट इन द दिल्ली दैट टाइम। यू कैन आस्क मी अनदर क्वेश्चन टू, करेक्ट। तो चलिए देखिए सब, लाहौर का जो लोकेशन था वो ऐसा था कि यहां से वो अफगानिस्तान के ऊपर भी
कनेक्ट हो सकता था, यहां से वो अफगानिस्तान पर भी नजर रख सकता था और लाहौर से वो सीधे दिल्ली को भी देख सकता था जो उसकी टेरिटरी थी दिल्ली सल्तनत। यानी लाहौर वॉज अ बैलेंस पॉइंट, करेक्ट, फॉर द कंट्रोल टू अफगानिस्तान एंड कंट्रोल टू द दिल्ली बोथ। अफगानिस्तान में इसलिए कि गजनीद एम्पायर का सेंटर यहीं पे था, यहां पर यलदूज था, यहां से जो है सिंध का भी जो एरिया है वो बिल्कुल नियर बाई था, सिंध वाज टू नियर, सिंध भी यहां से नियर था, तो इनको देखना भी जरूरी था और दिल्ली सल्तनत को भी देखना जरूरी था, नीडफुल था। सो इट वॉज द रीजन कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज स्टे इन लाहौर। मतलब देख रहे हैं आप, अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कंडक्ट करेगी तो क्वेश्चन ये पूछेगी कि व्हाई ही वाज स्टे इन द लाहौर दैट टाइम एंड व्हाट वाज द रीजन, तब आप उसको समझाएंगे, तब आपका आंसर होगा कि भाई पूरा का पूरा गजनी और पूरा सिंध का जो टेरिटरी थी वो बहुत ही डेंजरस थी दिल्ली सल्तनत के लिए। यलदूज और नासिरुद्दीन कुबाचा वे आर रूलिंग देयर एंड दे वॉन्ट टू कंट्रोल द दिल्ली सल्तनत। सो इट वॉज द रीजन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लोकेटेड इन स्टे इन द लाहौर दैट टाइम। यही रीजन था कि उसे दिल्ली से रूलिंग करने का कभी भी जो है वो टाइम ही नहीं मिला। ही वॉज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली। हम इन्हें क्या कहते हैं, दिल्ली के सुल्तान, बट नाउ व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट सुल्तान। उस एक सुल्तान का नेम बताइए जो दिल्ली का सुल्तान तो था लेकिन कभी भी उसे दिल्ली से रूल करने का मौका नहीं मिला, वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द सुल्तान कुतुबुद्दीन। करेक्ट। मतलब यहां इस क्लास में, दिस इज द डिस्कशन क्लास, डिसेक्शन क्लास, पूरी की पूरी चीर फाड़ करेंगे हम लोग और इस टॉपिक पर कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लेसिंग टू द गॉड, मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, सब पर बात करें, चाहे वो प्रिलिम्स का हो, चाहे वो जनरल स्टडीज मेंस का हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये क्लास, दिस इज अ वेरी इंटीग्रेटेड क्लास। ये क्लास क्या है, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, करेक्ट, यू अंडरस्टैंडिंग, चीजें क्लियर हो रही, मतलब एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करें, बस आप बने रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया बेटा, ये भी नोट भी कर लेंगे कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ ओनली वन सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द ओनली वन सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। He never ruled on the Delhi. He never ruled to the Delhi. He never ruled to the Delhi. Because of, there were the many difficulties in front of him. His enemies were staying Gajni and Sindh. And Sindh and Gajni was near to Lahore. His enemies were ruling in Gajni and Sindh, and that places were near to the Lahore and Delhi, and he also controlled to the Delhi Sultanate, and he also controlled to the Delhi Sultanate in the place of Lahore. So Lahore ka jo location tha wo exact tha। कभी भी हम किसी भी रूलर के बारे में अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी कंडीशंस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उस पर ज़रूर हमें नज़र डालनी चाहिए कि वही क्यों जो है वो लाहौर से वो रूलिंग कर रहा था, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो वो चीज़ें बेटा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, करेक्ट। तो नोट इट इमीडिएटली इफ़ यू कैन प्लीज़।
लिख लेंगे इस चीज को कि व्हाई ही वाज स्टे इन इन द लाहौर दैट टाइम. सो दैट वाज अ सिचुएशन. और सही मानों में ये हकीकत है कि इंसान जो होता है, एक पर्सन जो होता है, वो सिचुएशन के बहुत हद तक अकॉर्डिंगली वर्क करता है. ठीक है, ज्यादातर बेसिकली सिचुएशंस ही इंसान को जो है आगे बढ़ने के लिए वेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना, वो कंडीशन और सिचुएशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. तो ये चीज हो गई. अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर पूरा का पूरा एक ब्रीफ जो है आप लुक डालेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस पर बात हम लोग करेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन कंडक्ट ऑन दिस टॉपिक. सुल्तान का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि सुल्तान का जो मीनिंग होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा. क्योंकि जिस टाइम में ये लोग रूलिंग कर रहे थे उस टाइम में खलीफा का रिस्पेक्ट पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में था. और ये एक जाहिर सी बात है कि सुल्तान्स भी जो है खलीफा को, जो कि प्रिस्ट थे इस्लामिक रिलीजन के, उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे. यही रीज़न था कि सबसे पहले सुल्तान का जो सरनेम अडॉप्ट करने वाला किंग था ही वॉज द सुल्तान महमूद गजनवी. ठीक है, अरबिक नेम है इसलिए आप इसको कई तरह से, दो तरीके से आप लिख सकते हैं. एक तरीका तो मैंने आपको और भी बताया है कि किस तरह से टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. तो आपने देखा ना कि वाई लाहौर, लाहौर में ही क्यों, दैट वॉज द रीजन. इसके पीछे जो मेजर रीजन था वो मैंने आपको बताया, वो कंट्रोल करना था, इसलिए वो लाहौर में जो है लोकेटेड था, लाहौर में स्टे था. और सबसे बड़ी चीज है कि अभी दिल्ली सल्तनत बहुत ही न्यू बर्न थी, इसलिए उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था. क्योंकि अभी जो राजपूत किंग्स थे वो सिर्फ फोर्सली डाउन कराए गए थे, अभी कभी भी वो रेबलन कर सकते थे, कभी भी वो रिवोल्ट कर सकते थे. सो ये था कि ये बड़ा ही एक टिपिकल सिचुएशन था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने. और कई बार बच्चों, कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि भाई, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट या हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से ये आस्क कर जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, तो वी आस्क टू आवर पेरेंट्स के आपने हमारे लिए क्या किया है. मतलब हमारे वर्डिंग्स होते हैं, यही वर्डिंग्स होते हैं सिमिलर कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है. तो मैंने एक बात आपसे बताया कि एक न्यू बर्न चाइल्ड को सेफ करके बचा लेना, सेफ कर लेना, उसके सर्वाइवल को मैनेज करना, क्या ये कम है. अगर हमारे पेरेंट्स हमारा केयर ना करते तो हमें कोई एनिमल उठा के ले जाता, करेक्ट, या कोई थीफ ले जाता. बोलिए, टेल मी अबाउट समथिंग. अगर वो हमारे लिए मिल्क मैनेज ना करते तो हमारी लाइफ कैसे सिक्योर रहती. तो जो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो इतना ही अगर आप मैनेज करें ना, इफ यू मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेरेंट्स, सो इतनी ही चीजें ऐसी हैं जिसका कभी हम आंसर नहीं दे सकते. अगर हमारे पेरेंट्स इतना कह दें कि वी सेव योर लाइफ, वी मैनेज यू इन एवरी वे, इन एवरी टाइम, एंड वी हैव नो एनी कंट्रीब्यूशन एल्स, और कुछ नहीं है, तो इसका भी हमारे पास कोई आंसर, वी हैव नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो इन दैट टाइम
सर्कमस्टेंसेस कंडीशन, पेरेंट्स ने हमें हाउस दे दिया बनाकर, ये और बात है कि उस हाउस में एयर कंडीशन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, बट हाउस तो है ना, सर छुपाने की जगह तो है ना। बोलिए, शॉप दे दिया, अपना बिजनेस दे दिया। अब वो डिपेंड करता है सक्सेसर के ऊपर कि वो आगे क्या करता है। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑप्शनल में मिडाइवल हिस्ट्री से आस्किंग रहा है वो ये है कि हु वाज़ द रियल एस्टेब्लिशर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो वी कैन से दैट कि ही वाज़ द शमशुद्दीन अल्तुतमिश, वही रियल एस्टेब्लिशर था। बट वॉट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? जब हम कंपेयर करेंगे दोनों के कंट्रीब्यूशंस को, तो फाइनली हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या आंसर राइटिंग में क्या कंक्लूजन ले देंगे हम कि इट्स ट्रू के शमशुद्दीन अल्तुतमिश वॉज द रियल एस्टेब्लिशर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही कंट्रोल द दिल्ली सल्तनत, ही मैनेज द दिल्ली सल्तनत, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रीब्यूशन को भी हम कम करके नहीं देख सकते। उसका कंट्रीब्यूशन इतना था कि ही वॉज एस्टेब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसने दिल्ली सल्तनत को सेव कर लिया और अपने सक्सेसर को उसने गिफ्ट कर दिया, दे दिया। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो शायद और कोई नहीं कर सकता। अगर सल्तनत होती ही नहीं तो सक्सेसर्स या इल्तुतमिश या और कोई लोग या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, ये नेम कहां से आप सुनते हैं? तो यहां पर पूरी की पूरी थॉट्स, पूरी की पूरी थीम्स जो है हमको तैयार करनी है, रेडी करनी है फॉर द आंसर राइटिंग। और अगर आपके आंसर राइटिंग में आपकी फीलिंग्स इंक्लूड हो जाती हैं तो फाइनली यू कैन डू आसिम, बहुत दमदार कर सकते हैं आप लोग। एक चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, मतलब देखिए इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है दैट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, मतलब ओनली 4 years हैड द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दैट टाइम वाज नॉट वेरी लॉन्ग, ओनली 4 years, सिर्फ 4 years ही इनको मिल रहे हैं। और इस 4 years में जो इन्होंने वर्क किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, वो इतना है कि ही सिक्योर्ड द दिल्ली सल्तनत टू हिज कलीग्स, टू हिज एनिमीज, एंड दैट वाज द वेरी वेरी बिगर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कम नहीं है, एक न्यू बर्न चाइल्ड को सिक्योर कर लेना, सेफ कर लेना, उसके लिए मिल्क मैनेज कर देना, ये कोई कंट्रीब्यूशन बहुत नॉर्मल बात नहीं है। जो उस बच्चे को पालता है ना, वही जानता है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक चाइल्ड को मैनेज करने में, एक न्यू बर्न चाइल्ड को मैनेज करने में। करेक्ट। तो इस चीज को अब यहां पर क्या है कि इतना प्रेशर था, दैट वाज अ highest pressure on the Sultan Qutbuddin Ayubak from his enemies, from his colleagues. They wanted to occupy the Delhi Sultanate, just like the Tajuddin Yalduj and Nasiruddin Qubaj were ruling in Lahore, in Sindh and Ghajni that time. Ek word aata hai beta, khutba, ye bar bar aayega. This is the word. From the medieval history, in everywhere, in every time, ये word आपको बार बार knock करता है कि what is खुतबा? खुतबा क्या है? तो पहले इसको थोड़ा सा लिख कर इस पर दो चार लाइने नोट करेंगे। खुतबा is the religious word related to the Islamic religion. खुतबा is the religious word related to the Islamic religion. करेक्ट। एक लाइन का क्वेश्चन है, कब होता है? तो ये जो है
फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जो नमाज होती है ना, उसी टाइम खुतबे को पढ़ा जाता है इमाम के द्वारा, यानी इमाम, व्हेन द टाइम ऑफ फ्राइडे, प्रेयर टाइम ऑफ द फ्राइडे, खुतबा रीड बाय द इमाम ऑफ मस्क. खुतबा इज अ रिलीजियस मैसेज टू, नोट कर लेंगे बेटा कि खुतबा इज अ रिलीजियस मैसेज टू. खुतबा इज द रिलीजियस मैसेज फॉर द इस्लामिक फेलोअर्स फ्रॉम द प्रोफेट मोहम्मद साहब, फ्रॉम द प्रोफेट मोहम्मद साहब. फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जो प्रेयर होती है उसमें मस्क के जो इमाम होते हैं, जो नमाज को लीड करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, वो ही खुतबा पढ़ते हैं. तो एग्जैक्ट वर्ड में खुतबा क्या है कि खुतबा इज़ द रिलीजियस मैसेज फॉर द इस्लामिक फॉलोअर्स फ्रॉम द प्रोफेट मोहम्मद साहब. और खुतबा जो रीड करता है ही कॉल्ड इमाम, वो इमाम के नेम से जाना जाता. तो इसको आप समझ गए एग्जैक्टली, क्लियर? विदाउट एनी हेजिटेशन एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. ओके, इट्स ओके, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम. खुतबा इज एकदम क्लियर हो गया, खुतबा इज क्लियर, ओके. तो ये कहा ना मैंने कि ताजुद्दीन यल्लूज एंड नसीरुद्दीन कुबाचा सेड टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कि प्लीज मेंशन द खुतबा इन फ्राइडे इन दिल्ली सल्तनत विथ आर नेम्स, यानी खुतबा में हमारा नेम इंक्लूड कर दीजिए. कहा जाता है ना कि इन एंशंट टाइम, इन मिडाइवल टाइम जब खुतबा होता था, ठीक है, तो उसमें उस टाइम के रूलर का जो नेम है वो लिया जाता था, कंडक्ट किया जाता खुतबे में. और जब खुतबा जब होता है देन फ्राइडे के दिन, तो पूरी जो मुस्लिम पब्लिक है या मुस्लिम फेलोअर्स हैं वो फ्राइडे के दिन नमाज में अवेलेबल रहते हैं, तो वो अपने रूलर के मैसेज को या अपने रूलर के नेम को सुनते हैं. तो ये हमेशा याद रखना. एक क्वेश्चन आता है, कंडक्ट होता है मिडाइवल हिस्ट्री से, कि व्हेन फिरोज शाह तुगलक वाज रूलिंग ऑन द दिल्ली सल्तनत, है ना, इन खुतबा इन हिज टाइम ही अनाउंस द नेम ऑफ द एवरी सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बट व्हेन वन नेम वाज ऑब्सेंट दैट टाइम, क्लियर. एक बार दिल्ली सल्तनत में जब फिरोज शाह तुगलक रूलिंग कर रहा था, तो उस टाइम उसने फ्राइडे के दिन खुतबे में सारे दिल्ली सुल्तान के नेम्स को रिकनाइज किया, रीड किया, बट वन नेम वॉज अब्सेंट. तो क्वेश्चन था कि व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट सुल्तान ऑफ दिल्ली, हिज नेम वॉज अब्सेंट इन द खुतबा ऑफ फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में कौन सा नेम जो है वो अब्सेंट था, यू नो दैट? एनीबॉडी इन विच यू हु कैन टेल मी, क्या आप में से किसी को पता है कि वो नेम क्या था? वो नेम कमेंट करिए बेटा, क्या नेम था? तो दैट नेम वॉज द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, यही वो नेम था जो अब्सेंट था. क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के रेन टाइम तक जो है ये एक ओपिनियन थी लोगों की कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नॉट द एक्चुअल सुल्तान, बिकॉज ऑफ ही वॉज अ स्लेव ऑफ मौजुद्दीन मोहम्मद गौरी, तो ही वॉज नॉट अ एक्चुअल सुल्तान. तो उस टाइम तक लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो यही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द नॉट रियल सुल्तान. सो दैट वॉज द रीजन इन खुतबा फिरोज शाह तुगलक वॉज नॉट रीड द नेम ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, कि उस टाइम का जो एक मेजॉरिटी थी उनका ओपिनियन भी यही था कि वो सुल्तान नहीं था, करेक्ट. खुतबा वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया, बताइए. एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. और मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई ऑल स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द क्लास
कि प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास इफ़ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज ऑफ इन लाइव क्लास बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव क्लास में हम कर सकते हैं. वी कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा जो कि रिकॉर्डिंग क्लासेस में थोड़ा कमी हो पाता है. तो मैं जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास, बिकॉज लाइव क्लास में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाती हैं. ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आप देखेंगे ही, वॉच करेंगे ही, बट लाइव क्लास का मज़ा ही कुछ और होता है. करेक्ट, तो ये हो गया. अब टेंस तो था, देयर वेयर द मेनी बिगर ट्रेंस इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत दैट टाइम. और इसी ट्रेंस में वंस अपॉन ए टाइम इन 1210 AD व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज प्लेइंग द चौगान और पोलो गेम इन लाहौर दैट टाइम. उस टाइम में चौगान या पोलो एक गेम होता था जो लाहौर में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक प्ले कर रहा था. वो हॉर्स पे बैठकर कुछ स्टिक वगैरह से प्ले किया जाता था, जस्ट लाइक दैट. तो वो खेल रहा था चौगान या पोलो नाम का जो गेम था. एंड सडन ही फेल डाउन ऑन हिज हॉर्स, और उसकी नेक की जो नेक था ना, नेक वो फोल्ड हो गया. एंड फाइनली ही बिकम डेड. कहा जाता है कि नेक की जो बोन है वो फाइनली क्रैक हो गई थी, हड्डी जो है ना वो टूट गई थी गर्दन की, नेक की. और वो अपने घोड़े से गिरते ही फाइनली ही बिकम डेड. और आप समझ लीजिए कि इन 4 ईयर्स सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम डेड. 4 साल की रूलिंग में मतलब एवरीथिंग वॉज नॉट रेडी, कुछ भी नहीं था जो रेडी था. एंड इन दिस सिचुएशन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम डाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया. और दिल्ली सल्तनत को एक अधूरे कंडीशन में, एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में छोड़ के चला गया. करेक्ट, तो नोट कर लीजिएगा, इन दिस सिचुएशन व्हेन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज प्लेइंग अपोलो और चौगान. पोलो और चौगान एक गेम होता था बेटा, पोलो या इसे चौगान भी कहते थे, ये गेम होता था चौगान या पोलो, एक गेम था उस टाइम का. व्हेन ही वॉज प्लेइंग पोलो और चौगान, सडनली ही फेल डाउन ऑन हिज हॉर्स एंड फाइनली ही बिकम डेड इन 1210 AD. मौत से किसकी रुस्तगारी है, मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है. तो ये चीज़ें प्लीज़ नोट कर लेंगे, प्लीज़ नोट इट इमीडिएटली. ठीक है, अब देखिए ये तो उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है. क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पूछे जाएंगे कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. जैसा कि मैंने आपको बताया इन एग्जांपल फॉर अ पेरेंट, फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, बताया ना. तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर हम वैसे लिखेंगे. अब व्हाट वाज इज अ कल्चरल कंट्रीब्यूशन, उसका कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर हम लोग बात करें. तो हेडिंग डालेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. चीजें हैं कि वी आर लर्निंग सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक
इन अ मेनी टाइम्स हम लोग याद कर रहे हैं तो क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे उसके. तो अब हेडिंग डालेंगे हिज कल्चरल कंट्रीब्यूशंस. अब उसके कल्चरल कंट्रीब्यूशंस पर हम यहाँ टॉक करेंगे. चलिए आइए थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को देखते हैं. आपको याद होगा यू नो दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुब मीनार को तो सब जानते होंगे. एवरीबडी नो अबाउट द कुतुब मीनार. इन हिज चाइल्डहुड टाइम कुतुब मीनार को तो सभी जानते हैं अपने चाइल्डहुड टाइम से ही. आप में से बहुत से लोगों ने कुतुब मीनार को देखा भी होगा वॉच भी किया होगा. ये दिल्ली के मेहरौली नामक प्लेस पर लोकेटेड है. कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड इन दिल्ली मेहरौली मेड बाई बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. तो नोट कर लेंगे कि कुतुब मीनार बिल्ट बाई था या मेड सुल्तान कुतुब मीनार बिल्ट बाई था या कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट द कुतुब मीनार. बिल्ट द कुतुब मीनार इन बिल्ट द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली मेहरौली. कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली मेहरौली. दिल्ली मेहरौली नोट करेंगे करेक्ट. अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ही मेट द कुतुब मीनार एंड व्हाट वाज द बिहाइंड द रीजन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन दिस मॉन्यूमेंट. आप जानते ही हैं कि कुतुब मीनार दिल्ली मेहरौली में है. फाइव पार्ट्स हैं इसमें और कुतुब मीनार इज़ वेरी अट्रैक्टिव. दिल्ली में आप कहीं भी जर्नी करें कहीं भी जाएं आप एरोप्लेन से जाएं या कहीं से जाएं जैसे ही आप कुतुब मीनार के नियर बाई टच करते हैं आपको जो कुतुब मीनार का सिंबल है वो शोन होने लगता है दिखने लगता है. तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. तो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड द कुतुब मीनार. तो बच्चों आपको मैं बताऊँ कि उस टाइम इन दैट टाइम द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ दिल्ली इन लिव्ड इन दिल्ली. दिल्ली के पहले जो सूफी संत हैं उनका नेम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का. कि नोट करेंगे बेटा हजरत एक रिस्पेक्टिव वर्ड है जो लोगों के नेम के साथ अटैच हो जाता है. हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज द फेमस सूफी सेंट ऑफ द दिल्ली डेट टाइम. हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के पहले फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ द दिल्ली. फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ द दिल्ली कौन थे. हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज द पुपिल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. इंडिया के फर्स्ट सूफी संत का नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो जिनका जो ग्रेवयार्ड है वो अजमेर में लोकेटेड है. यू नो दैट इंडिया के पहले सूफी सेंट हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उन्हीं के ये पुपिल थे उन्हीं के ये आध्यात्मिक शिष्य थे उन्हीं के स्पिरिचुअल जो है वो पोपिल थे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का. करेक्ट. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब इंडिया में आए थे तो उनके साथ इंडिया आने वाले लोगों में वो मिडिल एशिया से आए थे ना सिस्तान में जो है सिस्तान में चिश्त एक प्लेस है जहाँ पे बर्न हुए थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. तो मिडिल एशिया से वो आए. मिडिल एशिया से आने वालों में जो लोग उनके फॉलोअर्स थे उनमें हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इनका भी नेम शुमार होता है शामिल है.
तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के फर्स्ट सूफी सेंट का नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एंड कुतुबुद्दीन वॉज द स्पिरिचुअल पुफिल ऑफ द हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्लियर है बेटा? करेक्ट। ठीक है, तो अब ये जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्पिरिचुअल पुपिल था ना हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, तो यही था कि जिस टाइम वो रूलिंग कर रहा था इन दैट टाइम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज प्रेजेंट इन दिल्ली सिटी। सो ये था कि अपने स्पिरिचुअल टीचर को ऑनर देने के लिए उनके नेम पर उसने कुतुब मीनार को बिल्ड करवाया। तो कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? एंड ठीक है, और किसके नेम पर? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नेम पर जो है बनाया गया था, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल टीचर को लर्न करने के लिए उनके नेम पर यह सिंबल था। तो नोट कर लेंगे बेटा, इसको लिखेंगे, लिख लेंगे। जी तो एक मिनट, स्टार्ट ठीक से ना, नहीं दे रहा अभी स्टार्ट। हाँ हाँ ठीक है, ओके। हेलो, पानी पानी, ठीक है, चलिए। तो ये चीज आपको याद रहेगा हमेशा कि अपने स्पिरिचुअल टीचर की याद में इन्होंने कुतुब मीनार को बिल्ट करवाया था हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ये नोट कर लेंगे। करेक्ट, कुतुब मीनार कहाँ पे लोकेटेड है, इन विच प्लेस कुतुब मीनार इज लोकेटेड? दिल्ली में, अरोली में है, आज भी है। आज भी अगर आप दिल्ली आते हैं, अगर आप गए होंगे मेहरौली, तो आपने कुतुब मीनार को ज़रूर देखा होगा। कुतुब मीनार जो है वो 5 पार्ट्स में बिल्ट है। कितने पार्ट्स हैं कुतुब मीनार के? 5। देयर वेयर द 5 पार्ट्स इन कुतुब मीनार। और इसमें तकरीबन 279 जो है स्टेयर्स हैं। कितनी सीढ़ियाँ थी? 279 स्टेयर्स थे इसके अंदर। बट क्या है कि बहुत पहले, बहुत सालों पहले कुतुब मीनार में जो है स्टेयर्स पे चढ़ के बाकायदा लोग ऊपर जाते थे, लेकिन बाद में चलकर कुछ लविंग बर्ड्स ने इस पे सुसाइड करना शुरू कर दिया, लोगों ने जान देनी शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट ने इसकी सीढ़ियों को, स्टेयर्स को स्टॉप करा दिया कि आप Nobody can ride. अब कोई भी आदमी कुतुब मीनार के टॉप पे नहीं जाएगा। तो पूरी तरह से पैक हो गया है वो, बट 5 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बेटा? 5 पार्ट्स हैं। और आपको मैं बता दूं कि कुतुब मीनार को बिल्ड कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट दैट वॉज नॉट कम्प्लीटेड, है ना? वेन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम डाइड, जब वो बना भी नहीं था तो उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। एंड फाइनली कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई सुल्तान शमशुद्दीन अल्तुतमिश, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नोट कर लेंगे बेटा कि देयर वेयर द 5 पार्ट्स, नोट कर लेंगे इसको कि
इन कुतुब मीनार, हालांकि इस पर आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स में तो आता ही है, बट यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें नोट कर लेंगे कि कितनी स्टेयर्स हैं, 279 हैं, 5 पार्ट्स हैं, और इसको कंप्लीट किए किसने कराया था, लिख लेंगे कि कुतुब मीनार वॉज बिल्ड बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, बट दैट वॉज कंप्लीटेड बाय द सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, दैट वॉज कंप्लीटेड बाय द सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और क्या है कुतुब मीनार में, आपको मैं बताऊं कि मतलब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है नॉलेजेस हैं इस पे कुतुब मीनार पे, कि व्हेन फिरोज शाह तुगलक वाज रूलिंग ऑन दिल्ली दैट टाइम एंड ही वाज द एम्परर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, सो एक ट्रेजेडी हुई थी कि कुतुब मीनार के ऊपर जो है वो स्पार्क हो गया था, जो नेचुरल इलेक्ट्रिक होती है ना बिजली, वो गिर गई थी उसके ऊपर और कुतुब मीनार जो है ब्रेक हो गया था टू पार्ट्स में, है ना, कुतुब मीनार वॉज ब्रेक इन टू पार्ट्स फॉर द जो स्काई इलेक्ट्रिक होती है वो उस पर फॉल हो गई थी, तो टूट गया था, तो फाइनली फिरोज शाह तुगलक ने इसको बिल्ट करवाया था। तो आपको मैं बताऊं कि तब जब कुतुब मीनार बना था, बिल्ट हुआ था, तो उसमें शुरू शुरू में 3 पार्ट्स ही थे। कितने पार्ट्स थे शुरू में, इन बिगनिंग टाइम कुतुब मीनार वॉज इन 3 पार्ट्स, बट इन द रूलिंग टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, कि फिरोज शाह तुगलक व्हेन ही वॉज बिल्डिंग द कुतुब मीनार ही एड 2 पार्ट्स एक्स्ट्रा, यानी 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स और उसने एड ऑन कर दिया था, ठीक है। तो यही रीजन है कि फाइनली जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो कुतुब मीनार में 5 पार्ट्स में शो होते हैं, तो उसमें 2 पार्ट्स जो है इसने फिरोज शाह तुगलक ने ऐड किया, वो इसलिए ऐड किया ताकि उसका भी नाम भी जो है हिस्ट्री में लिया जाए, एंड यू नो दैट कि फिरोज शाह तुगलक वॉज द जिसको इमारतों का सुल्तान कहा जाता है, सुल्तान ऑफ द मोनूमेंट्स कहा जाता है, तो अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि फ्यूचर में लोग उसका नाम जानेंगे कि इसमें 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको बिल्ड कराया है, तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। तो कुतुब मीनार की ये थी पूरी पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि कुतुब मीनार जो है कई पार्ट में चलकर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें 3 रूलर्स के नेम आते हैं, सूफी संत का नेम आता है, और आज भी कुतुब मीनार जो है दिल्ली के मेहरौली में लोकेटेड है, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कुतुब मीनार पर अगर एक नॉर्मल वे में लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स में लिखने के लिए आ जाए, तो आप बहुत ईजिली जो है इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे, जस्ट लाइक दैट द कुतुब मीनार के बाद, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और क्या कंट्रीब्यूशन है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का कल्चर में, ठीक है। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के बाद बेटा एक मस्क भी है जिसका नाम है, जिसका नेम है कुवतुल इस्लाम मस्क, इसको नोट करेंगे। कुवतुल इस्लाम मस्क, कुवतुल इस्लाम मस्क, इसको नोट कर लेंगे। कुवतुल इस्लाम मस्क ये इंडिया की पहली मस्क है, फर्स्ट मस्क ऑफ द इंडिया। फर्स्ट मस्क ऑफ द इंडिया की पहली जो मस्क का नेम है वो है कुवतुल इस्लाम मस्क, नोट कर लेंगे कि कुवतुल इस्लाम मस्क वॉज द बिल्ट बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवतुल इस्लाम मस्क वॉज बिल्ट बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दैट मस्क इज लोकेटेड इन दिल्ली मेहरौली, एंड दैट मस्क इज लोकेटेड इन दिल्ली मेहरौली। मैंने आई वॉच दिस मस्क इन सेवरल टाइम्स व्हेन आई वेंट टू मेहरौली, कई बार मैंने इसको देखा है, और इसके जो पीलर्स हैं वो आज भी वैसे ही लोकेटेड हैं,
और आपको मैं बता दूं कि इसके पिलर्स को जब आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं। एक बड़ा गजब का इमेजिनेशन आता है कि एक बार जो है, हमेशा याद रखिएगा कि जब तुर्क इंडिया में आए थे तो इंडिया में आने के बाद जो है अपने साथ ये आर्किटेक्ट लेबर्स नहीं लेके आए थे, ये एक अटैकर के तौर पे इंडिया में एंट्री हुई थी इनकी, तो इनके पास लेबर्स नहीं थे। जब ये आए तो इनको अपने लिए हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाने थे, फोर्ट बनवाने थे, या फिर फर्दर जो कंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू द तुर्क्स रिहैबिलिटेशन, तो ये वहाँ पे होने लगे थे। फोर्ट बने, इनके लिए हमाम नहाने की जगह को कहते हैं, बाथ प्लेस को कहते हैं, फिर इनके लिए मस्क बनाए गए, ठीक है। और जस्ट लाइक दैट द अदर थिंग्स रिलेटेड टू हिज रिहैबिलिटेशन, यानी तुर्क जब आए तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बननी शुरू हो गई। तो जब ये मस्क बनाई गई तो दे हैड नो लेबर्स फ्रॉम द मिडिल एशिया, या दे हैड नो आर्किटेक्ट फ्रॉम द मिडिल एशिया। उन्होंने एक लेबर्स को, इंडियन लेबर्स को, एक नहीं होता है कि आदमी जब अननोन प्लेसेस पे जाता है तो अपने लिए बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कराता है। जब ये वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अब मेरा जो पूरा फ्यूचर है वो यहीं पे है, तो फाइनली वहाँ के लेबर्स से बात होती है कि भाई आपको ऐसे ऐसे बनाना है। तो क्या हुआ, इंडिया के जो लेबर्स थे वो इंडियन कंस्ट्रक्शन जानते थे, टेम्पल्स आर्ट जानते थे, इंडियन फोर्ट कंस्ट्रक्ट करते थे, तो दे वेर अनोन टू द नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल एशिया, फारस। तो इंडिया में जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए थे उस कंस्ट्रक्शन में ये सारे जो मस्क हैं या फिर जो फोर्ट हैं या टोम्ब हैं उनमें ना इंडियन आर्किटेक्ट की झलक मिलती है, एक इमेजिनेशन आ जाता है। तो जब आप कुवतुल इस्लाम मस्क को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ टेम्पल्स जैसी फीलिंग आने लगती है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो मस्क है उसको इंडियन लेबर्स ने बनाया, इंडियन आर्किटेक्ट्स ने बनाया जो कि इंडियन आर्ट जानते थे, दे वेर अनोन फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ मिडिल एशिया एंड फारस। सो उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किया वो बिल्कुल इंडियन वे में कंस्ट्रक्शन किया था, करेक्ट ना। तो आप देखेंगे कि वो जो झलक है उसमें दिखा दिया, या जो बिल्कुल देखने के बाद आपको लगेगा कि सर बहुत सी चीज़ें इंडियन जो कंस्ट्रक्शन है उससे सिमिलर हैं, बहुत सी मिलती जुलती हैं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो उन्होंने वही किया जो वो करते थे, तो इंडियन आर्किटेक्ट को उन्होंने वहाँ पर उतार दिया मस्क में, या फिर जो टोम्ब हैं या फिर जो फोर्ट हैं उनमें वो जो इमेजिनेशन है वो दिखाई देती है। तो कुवतुल इस्लाम मस्क इज़ द फर्स्ट मस्क ऑफ द इस्लाम इन इंडिया। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो पहली मस्क है वो केरल में बिल्ट हुई थी, ठीक है ये बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में जो मेंशन है ना वो मस्क कुवतुल इस्लाम मस्क की है, वो इसी को इंडिया का फर्स्ट मस्क माना जाता है। तो मेड बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, लोकेटेड इन दिल्ली मैरोली। तो प्लीज़ नोट इट, लिख लेंगे इस चीज़ को। आप इसके फिगर्स भी ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर या नेट पर, इसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, अब चलिए एक और जो है मॉन्यूमेंट्स है, टू एंड हाफ डे हट। टू एंड हाफ डे हट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, मेड बाई, बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। टू एंड हाफ डे हट, इसको कहते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। टू एंड हाफ डे हट, ढाई दिन का झोपड़ा, कंस्ट्रक्टेड बाई या बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। कहाँ पे लोकेटेड है बेटा ये? अजमेर। आप जब अजमेर जाएंगे तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बिल्कुल नियर में, बिल्कुल थोड़ी दूरी पर आप अगर जाएंगे तो अजमेर में ये लोकेटेड है। तो टू एंड हाफ डे हट वॉज बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दैट मोनूमेंट इज And that monument is located in Ajmer. आप इसको लिख लेंगे,
नोट कर लेंगे बेटा कि टू एंड हाफ डे हट वॉज बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दिस मोनूमेंट इज़ लोकेटेड इन अजमेर नाउ दिस टाइम. ये अभी भी है और रिसेंटली मैं कुछ समय पहले की बात है जब मैं गया था व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वॉच द टू एंड हाफ डे हट बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक दैट टाइम मैंने देखा था. और बिल्कुल देखने के बाद आप रियलाइज़ करिए कि मैंने कहा ना आपसे कि चूँकि ये 2.5 दिनों में बना है ना, 2.5 डे में इसकी बिल्डिंग हुई थी, तो यही रीज़न है कि वी कॉल 2.5 डे हट. और इसको देखने के बाद भी वही चीज़ थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसको इंडियन आर्किटेक्ट ने बनाया था है ना, दैट मोनूमेंट इज़ बिल्ट बाई द इंडियन आर्किटेक्ट इंडियन लैबर्स. सो जो इंडियन आर्किटेक्ट और इंडियन मोनूमेंट्स की जो झलक है, जो इमेजिनेशन है, वो आपको इसमें बिल्कुल शो ऑन होती है, बिल्कुल इसमें दिखाई देती है. तो आप इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और आप इसको जो है बाकायदा इसकी जो इमेजिनेशन है आप इसको देख सकते हैं. करेक्ट, तो नोट इट इमीडिएटली इफ यू कैन, लिख लेंगे इसको. और कुछ चीज़ें और भी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि उसके बारे में ये चीज़ें फेमस हैं कि उसके कोर्ट में अगर कोई भी पर्सन आ जाता था और कुछ डिमांड करता था, कुछ मांगता था, तो ही नेवर रिटर्न टू हिम, है ना, कभी भी उसको वापस नहीं जाने देता था, खाली नहीं जाने देता, हमेशा उसका जो दामन है वो गिफ्ट से भर देता था, उसकी डिमांडिंग को फुलफिल करता था. नहीं, फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक फुलफिल हिज डिमांड, है ना, व्हेन एनीबॉडी केम इन हिज कोर्ट फॉर देयर डिमांड्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स, वो कभी भी खाली नहीं. तो यही रीजन था कि हिस्ट्री में उसे एक पर्टिकुलर नेम से और लर्न किया जाता है, लाख बख्श, है ना, किस सुल्तान को लर्न किया जाता है इस नेम से, लाख बख्श. नोट कर लेंगे बेटा, लाख, लाख माने लाखों का देने वाला, लाख बख्श. लाख बख्श नोट कर लेंगे, लाख माने वही लाख, बख्श माने डोनर, लाखों का देने वाला. नोट कर लेंगे लाख बख्शा. ये किसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है या किसको याद किया जाता है, तो ही वॉज द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श के नेम से उसको याद किया जाता है, लर्न किया जाता है. तो नोट कर लेंगे इसको, लिख लेंगे, है ना, डोनर ऑफ द लाख, लाखों का देने वाला. और एक चीज़ और है बेटा हिस्ट्री में, उसे कुरान खान भी कहा जाता है, यू नो दैट, कि ही नोन इन हिस्ट्री द नेम ऑफ कुरान खान. ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड इन हिस्ट्री कुरान खान, यानी ही वॉज द स्पेशलिस्ट ऑफ द कुरान, ही वेल नोन अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान, सो पीपल्स सेट टू हिम ही वॉज द कुरान खान. कुरान खान का सेंस है ये है कि उसके पास जो नॉलेज थी कुरान की, बहुत नॉलेज थी, वेल एक्सप्लेन करता था कुरान का, तो यही रीज़न है कि वी लर्न ही या वी रिकॉग्नाइज हिम, तो कुरान खान. नोट कर लेंगे कि इन मिडाइवल हिस्ट्री सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक रीनेम टू या लर्न टू कुरान खान, लर्न टू कुरान खान. इन मिडाइवल हिस्ट्री सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लर्न टू कुरान खान because he well know, yeah, he had the well explanation, he had the well explanation of the Quran,
he had the well explanation of the Quran. तो आप देख रहे हैं कि ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन है कि what was the cultural contribution of Sultan Qutbuddin Aibak, है ना, why we learn to Sultan Qutbuddin Aibak in the way of cultural development या cultural contribution. तो इस पर भी question जो है पूछा जाएगा, पूछा जाता है, ask किया जाता है. तो सबसे पहले ये जो है नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और एक क्वेश्चन भी साथ में नोट कर लेंगे कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक. How can you define it? He was the establisher of Delhi Sultanate. How can you define it? He was the establisher of Delhi Sultanate. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है political contribution of the Sultan Qutbuddin Aibak. आप इसको describe करिए 250 words में, क्या क्या circumstances थे, क्या क्या उन्होंने किया, उसके accordingly फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा. और दूसरा जो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अबाउट हिज कल्चरल कंट्रीब्यूशन, इनका जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो आप बताइए कि क्या क्या इन्होंने बनवाया, क्या क्या किया, क्यों हम इन्हें लर्न करते हैं आज तक. तो इस पर भी एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. तो फाइनली आज की क्लास में बस इतना ही. हमारी और आपकी जो मुलाकात है फिर कल होगी, इसी टाइम पर होगी. तो ओके, थैंक यू सो मच.